नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो करेला होता है, तो दोस्तों करेले का कोई पेड़ नहीं होता, करेला एक लता होती है, इसकी बेल होती है जहाँ से करेला हम बीजते हैं और करेला लगते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, करेले की जो बेल होती है, लता होती है, वो ऐसी होती है, ऐसे इसके पत्ते होते हैं। इस पर जो फल लगता है उसको करेला कहते हैं। करेला हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर करता है और करेला हमारे पेट को भी साफ़ करता है। तो दोस्तों, जो लोग महीने में 3 या 4 बार करेले का सेवन करते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि करेले का जितना हो ज़्यादा हो सके उतना सेवन करें, क्योंकि करेला ना किसी को नुकसान पहुंचाता है, आपके पेट को भी साफ़ करता है, साथ में ही आपके शरीर की सारी बीमारियों को दूर करता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा मकसद यही है कि लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में रूबरू करवाना है, समझाना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और ज़्यादातर मैं कहूँगा कि जो लोग करेला भी बीजते हैं, मगर उसमें देसी खाद का यूज़ करें, ना कि यूरिया अंग्रेज़ी खाद का यूज़ करें, जिससे उसके अंदर जो पौष्टिकता होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये सारा ही जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, सारी नेचुरल होती हैं। मेरे चैनल पर आपको काफ़ी वीडियोस के काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है करेले का, करेले की लता बेल ऐसा होता है, और ये ज़्यादातर करेला जो होता है बरसात में होता है। इसके ऊपर हम बता भी देते हैं, करेला ये लगा भी है, ये देखो, ये करेला लगा हुआ भी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये करेले की लता है और उसके बारे में जाना ये कितना हमारे लिए उपयोगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि कैसे हम सब्ज़ी का यूज़ करते हैं और कैसे हमें उसको बीजना चाहिए और कैसे हमें उसको उपयोग में लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।